So hello everyone, this is Dhaval and you are watching YD Learning. Please subscribe to my channel and hit like if you like my teaching. This video is on the new chapter of class 10 science, that is metals and non-metals. Metals and non-metals mein hum jo topics karne wale hai wo hai. Metals and non-metals mein hum karenge physical properties of metals and non-metals. इसमें हमारे सारे वन मार्क के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. फिर हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स चार चीज़ों के साथ. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आपको सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं है. आप करोगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद होम, फर्स्ट ऑक्सीजन, फिर वाटर, फिर एसिड और सॉल्ट सॉल्यूशन, और देखोगे कि इन चारों के साथ उन्हें मिक्स करके हमें क्या मिलता है. फिर हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं. फिर हम देखेंगे आयन्स क्या होते हैं, आयन्स पे आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है इस टॉपिक पे. फिर हम देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 देखेंगे, करोजन और उसके प्रिवेंशन देखेंगे. ये है हमारे टॉपिक्स फॉर दिस. सो नाउ मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मैलिएबल एंड डक्टाइल. ये हीट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पतली शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. मेटल्स सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी, दैट इज लिक्विड. मेटल्स आर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयन्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो क्या होता है ना, जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं. लूज करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे देना, मतलब कि आपके पास अगर आप लूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टेक द मेटल सोडियम. सोडियम को हम देखते हैं कि ये कैसे लूज करेगा. तो दिस इज सोडियम का इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस. फिर ये उसकी तीन शेल, क्यों? क्योंकि इसमें तीन शेल में चीज़ें भरनी पड़ेगी. फर्स्ट में हमने डाल दिए दो इलेक्ट्रॉन, सेकंड में एट है, 1 2 3 4 5 6 7 8. लास्ट शेल में है एक. अब ये जो एक है ये यहाँ पे और बैलेंस होने के लिए और सात तो नहीं ला सकते, तो हम इसके क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या कर देंगे, लूज कर देंगे. और जब आप लूज करते हो तो आपके प्रोटॉन्स अंदर चेंज नहीं हुए हैं, राइट? प्रोटॉन्स उतने के उतने ही हैं, मतलब प्रोटॉन्स इसमें ऑलरेडी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 था तो इसमें ऑलरेडी प्रोटॉन्स 11 है. बट क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया है तो इलेक्ट्रॉन घट के 10 हो गया है. तो अब इसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन. क्यों? तो सारे जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा लेते हैं. तो व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव? बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन, दे लूज देयर नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव. सो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव लाइक दिस. मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव. द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम. अब देखिए नॉन मेटल्स क्या है. तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल. आउट ऑफ 22 नॉन मेटल्स, 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स, 1 नॉन मेटल ब्रोमीन इज अ लिक्विड, वेयर एज रिमेनिंग 11 नॉन मेटल्स आर गैसेस. हमारे पास टोटल 22 नॉन मेटल्स है जिसमें से 10 नॉन मेटल सॉलिड है, एक नॉन मेटल ब्रोमीन दैट इज की लिक्विड है, वेयर एज रिमेनिंग 11 नॉन मेटल्स आर गैसेस. आपको क्वेश्चन इस सेंटेंस पे क्या आ सकता है, विच नॉन मेटल इज अ लिक्विड? तो यू हैव टू राइट आंसर, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड. आपको ऐसे क्वेश्चन थोड़े घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं नॉन मेटल्स चैप्टर से, मेटल से नॉन मेटल से. नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म निगी. हम कैसे नॉन मेटल कैसे लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो लेट्स सी. हम एक नॉन मेटल लेते हैं, दैट इज Cl. Cl जो है, Cl के पास टोटल Cl का एटॉमिक नंबर 17 है. 17 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, और 287 मतलब अंदर का इलेक्ट्रॉन ये रहा, उसकी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल. फर्स्ट शेल में डालेंगे दो इलेक्ट्रॉन, सेकंड में डालेंगे 8 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 287 है. फिर डालेंगे 7 1 2 3 4 5 6 7. अब आप देख रहे हो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है टू गेट ऑक्टेट स्टेट. अब क्योंकि उस एक इलेक्ट्रॉन को इसे किसी से लेना पड़ेगा, तो फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन कोई इसे लूज करके यहाँ पे वो ये गेन करता है, ये एक न्यू इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया. अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन आने से इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे पहले 17 थे, अब ये बन के प्लस 1 होके 18 बन गए हैं, पर प्रोटॉन स्टिल 17, मतलब कि प्रोटॉन्स के नंबर नहीं बढ़े, प्रोटॉन ऑलरेडी 17 है पर ये इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ के 18 हो गए हैं. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है पॉजिटिव चार्ज से, तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव. क्यों? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने नेगेटिव पावर को बढ़ाते हैं. तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दे आर मेलिएबल, बिटन इनटू थिन शीट्स,
ना दे आर नॉन दे आर मेलिएबल बिटन इन टू थिन शीट्स दे आर डक्टाइल ड्रॉन इन टू थिन वायर्स नाउ मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स आर लस्ट्रस कैन बी पॉलिश्ड. अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं लेट्स सी नाउ मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. तो क्वेश्चन क्या आएगा वो बोलेंगे कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं है. तो दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम हार्ड नहीं है मेटल्स होकर भी. मेटल्स है तो यार इन्हें हार्ड होना चाहिए था पर नहीं है तो क्वेश्चन इन पे आएगा. नाउ मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी. अब क्योंकि मेटल होते हुए इन लोगों को सॉलिड स्टेट में रहना चाहिए था पर ये नहीं है तो क्वेश्चन इन पे आएगा. दैट मीन्स वो पूछेंगे कि कौन सा ऐसा मेटल है जो मेटल्स के जैसे सॉलिड नहीं है रूम टेम्परेचर पे. तो मर्क्यूरी भाई ऐसा है ना. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट एन एन के. अब कौन जल्दी पिघल. अब क्योंकि वो मेटल है तो इन्होंने जल्दी पिघलना नहीं चाहिए था बट कौन है ऐसा जो मेटल होके भी जल्दी पिघल जाता है. कौन ये गद्दारी कर रहा है तो ये है सोडियम और पोटेशियम. नाउ क्वेश्चंस इस पे आएंगे आप लोगों पे. मतलब मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज. मेटल्स की डेंसिटी हाई होनी चाहिए थी बट कोई कोई हल्के मेटल्स है दैट मीन्स सोडियम एंड पोटेशियम. तो इस पे क्वेश्चन आएंगे एक्सेप्शन पे. जो गद्दार मेटल्स है मेटल्स होते हुए नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना क्वेश्चन उन पे आएंगे. आप लोग समझ रहे हो. नाउ दे आर सोनोरस. मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड. नाउ सिर्फ ये कॉपर एंड गोल्ड है जो रेडिश टाइप के हैं बाकी सब ग्रे में हुए थे. इन लोगों ने भी गद्दारी की. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में हम पढ़ रहे हैं दे आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल. ये ना पिघलते हैं वायर में ना बनते हैं ना ये थीन शीट्स में बनते हैं. दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते पर वही एक ग्रेफाइट है जो नॉन मेटल होते हुए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. दैट मीन्स कि इसको क्या बोल सकते हैं. अगेन ये नॉन मेटल्स के गद्दार लोग कौन कौन ग्रेफाइट डायमंड और क्या बोल सकते हैं. ज़्यादातर तो ग्रेफाइट और डायमंड ही है. नाउ दे आर नॉन लस्ट्रस. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट पर एक्स डायमंड तो बाप रे दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है. तो क्वेश्चन आएगा कि विच नॉन मेटल इज द हार्डेस्ट. डायमंड. विच नॉन मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ग्रेफाइट. दे कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल्स हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्यों. क्योंकि ये प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की कि उनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होते हैं. पर डायमंड का ऐसा नहीं है. डायमंड दे हैव लो डेंसिटीज. दे हैव लाइट सब्सटेंस. हल्के सब्सटेंस होते हैं. दे आर नॉन सोनरस. नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स जैसे कि सल्फर पीले कलर का, फॉस्फरस सफ़ेद और लाल कलर का, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का. ग्रेफाइट आप लोगों ने देखा होगा पेंसिल का जो टिप होता है ना वो ग्रेफाइट से बना होता है. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ रहे हैं आप लोगों को. जैसे हमने सिलेबस में कम्प्लीट किया था अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेट्स सी हमने अभी कंप्लीट किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें कवर्ड होंगे कौन गद्दार लोगों के. नाउ ऑक्सीजन से हम सबसे पहले जब रिएक्ट करेंगे तो हम सबसे पहले उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे. अब ऑक्साइड्स में जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड थोड़े एक्सेप्शन केस है इनको हम पढ़ेंगे. फिर हम वाटर के साथ, फिर एसिड के साथ, फिर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे. सो लेट्स सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स विद ऑक्सीजन सबसे पहले मिक्स कर रहे हैं तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड. व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन. दैट मीन्स इन एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना ये बेसिक इन नेचर होते हैं. तो ये कैसे पता चला. जैसे ही हमने रिएक्ट कर लिया किसको मेटल को एसिड के साथ, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी ऑक्सीजन के साथ, तो हमें जो मेटल ऑक्साइड मिला है हमने उसको टेस्ट किया लिटमस से तो उसने रेड लिटमस को ना ब्लू में कन्वर्ट कर दिया. और जब कोई रेड लिटमस ब्लू को कन्वर्ट करता है तो वो कहलाता है बेसिक इन नेचर. तो जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेसिक इन नेचर बनते थे. तो अब अचानक से जब एल्यूमिनियम को हमने करा ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो उसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया. तो जब हम एसिड के साथ इसको मिक्स कर रहे थे तो ये बेसिक नेचर दिखा रहा था और बेस के साथ मिक्स कर रहे थे तो ये एसिडिक नेचर दिखा रहा था. तो जब ऐसा कोई करता है तो उसे क्या बोलते हैं. लेट्स सी द एल्यूमिनियम ऑक्साइड शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज. ओए मतलब एसिडिक भी प्रॉपर्टी शो करे और बेसिक भी प्रॉपर्टी शो करे. तगड़ा है ये. देयरफॉर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड एज वेल एज बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं पर एट अ टाइम नहीं. ये कैसे शो करते हैं. तो जब आप इसको एसिड के साथ मिक्स करते हो तो ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे मिक्स होते वक्त. और जब आप इसको बेस के साथ मिक्स करोगे तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे मिक्स होते वक्त. तो लेट्स सी जिंक ऑल्सो फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. अच्छा तो एल्यूमिनियम के साथ जिंक भी है पार्टनरशिप में. तो जिंक जो है वो भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है. मतलब ये भी एज वेल एज एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा. एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर. सबसे पहले जब मैंने इसको HCl दैट इज एन एसिड के साथ मिक्स किया तो Al2O3 ने बेसिक प्रॉपर्टी शो की. तो कैन यू राइट इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव्स एज अ बेसिक ऑक्साइड. फिर जब मैंने इसको NaOH दैट इज अ बेस के साथ मिक्स किया तो इसने एसिडिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी शो की. तो इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव्स एज एन
एसिडिक ऑक्साइड, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट. तो यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर बना, यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर बना, यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, तो यहाँ में एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट सॉरी सोडियम एल्यूमिनेट बना. सो नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर क्या है? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर कोल्ड और हॉट द प्रोडक्ट फॉर्म आर मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, तो जब हम मेटल को वाटर के साथ मिक्स करने जा रहे थे तो इन्होंने बोला है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, पर आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड लिखा था. पर जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन में आपको मेटल हाइड्रोक्साइड और वाटर सॉरी एच टू गैस दोनों मिल रहा है. लेट सी द रिएक्शन इज पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. तो देखो जैसे ही हमने पोटेशियम को मिक्स किया है तो पोटेशियम ये रहा के, ये रहा वाटर दैट इज कोल्ड, तो हमें मिला के ओ एच दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एच टू दैट इज हाइड्रोजन गैस, और साथ में हीट भी लिबरेट हुई. अगर हीट लिबरेट होती है ना तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्यों? क्योंकि दो चीज़ मिक्स होने पर क्या निकली? हीट निकली, तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट. अब लेस वायलेंट मतलब हीट लिबरेट होगी बट इतनी सफिशियंट नहीं होगी कि फायर को कैच कर ले. नाउ दिस रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान देना अच्छे से. द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट. द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर. अब क्या होता है, जब आपको पता है पानी में जब आप कैल्शियम चूना जो होता है दीवार पर लगता है उसे मिलाते हो तो बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं. ये बबल्स जो है ये हीट की वजह से क्रिएट हुआ है, दैट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट हीट इतनी क्रिएट नहीं हुई कि फायर कैच कर ले. नाउ तो अब क्या होता है, देखो सी ए को, कैल्शियम को हम 2H2O के साथ मिक्स कर रहे हैं तो ये हो सी ए ओ एच टू, ड्रायसिलिक लाइम भी बोलते हैं इसे, और H2. नाउ कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल्स. अब कैल्शियम जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि जो बबल्स क्रिएट हो रहे हैं इस रिएक्शन में दैट इज हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन के बबल्स जो क्रिएट हो रहे हैं ये स्टिक हो जाते हैं मेटल के सर्फेस के साथ साइड वाले. नाउ अब वो बोल रहे हैं एक्सेप्शन, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट और कोल्ड वाटर बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ऑल्सो लीड कॉपर सिल्वर नो रिएक्शन, वाई? बिकॉज दे आर लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, वो लेस रिएक्टिव होता है इसलिए. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डायल्यूट एसिड. अब क्या करते हैं, मेटल्स जो है ना डिस्प्लेस कर लेता है हाइड्रोजन को डायल्यूट एसिड में से. मतलब कि अगर आपने ये HCl मिक्स किया है, मतलब कि अगर आप कहीं HCl मिक्स कर रहे हो तो ये देखो आपका ये जो H है, ये H ये डिस्प्लेस होके अलग चला गया है, MgCl बच गया. मतलब ये जो H है, H आयन को अलग कर देता है, कोई भी मेटल H आयन को अलग कर देता है किसके, उसके पार्टनर से. तो लेट्स सी, मैग्नीशियम रिएक्ट्स क्वाइट रैपिडली विद डायल्यूट HCl एसिड फॉर्मिंग मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो ये रहा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. सो H को रिप्लेस कर दिया और बन गया MgCl2 प्लस H2. दिस एक्वारीजर, अरे एक्वारीजर क्या है? इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 लीटर सॉरी 1 part ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 parts ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मतलब एक्वारीजर क्या है, लेट्स सी. एक्वारीजर जो वो बोल रहे हैं कि आप एक पार्ट ऑफ क्या लो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड लो और 3 parts लो आप, वो बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के. मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की और एक टेस्ट ट्यूब वो बोल रहे हैं सॉरी 3 टेस्ट ट्यूब वो बोल रहे हैं HCl की. जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन, एक टेस्ट ट्यूब HNO3, 3 टेस्ट ट्यूब HCl, तो इसको ये जो बनाता है वो बनता है एक्वारीजिया. अब एक्वारीजिया क्या है, इतना स्पेशलिटी टर्म क्या है इसमें? तो अब देखो, एक्वारीजिया कैन डिजोल्व ऑल मेटल्स, एक्वारीजिया कैन डिजोल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनियम मेटल्स, बट अलोन दे कैन नॉट डू द सेम. ये सभी मेटल्स को डिजोल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है, डिजोल्व ऑल मेटल्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. तो ये ऐसा एसिडिक बहुत ही खतरनाक सोल्यूशन बन जाता है ना. रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन क्या है, ये रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन. तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक सॉल्ट सोल्यूशन लिया है मेटल ए का, तो सॉल्ट मेटल ए के साथ है, फिर आपने मेटल, न्यू पेज लेना था अगेन, लेट सी. अब जो सॉल्ट है ये एक सॉल्ट है मेटल बी का, इसमें मैंने एक मेटल ए मिक्स किया, मेटल ए. तो अगर ये मेटल ए मोर रिएक्टिव है मेटल बी से, अगर ये मोर रिएक्टिव है मेटल बी से, तो ये मेटल ए यहाँ पे चला जाएगा और मेटल बी यहाँ पे आ जाएगा. तो आपका रिएक्शन कैसा बन जाएगा, मेटल ए का सॉल्ट वो बन जाएगा मेटल ए सॉल्ट और मेटल बी अलग से आ जाएगा.
मेटल बी ना, तो ये था, ये कब पॉसिबल है, जब मेटल ए मोर रिएक्टिव हो मेटल बी से, तो वो इसको मेटल बी से उसका सॉल्ट छीन के अपने साथ लगा लेगा और मेटल बी अकेला पड़ जाएगा. तो लेट्स सी, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. तो क्योंकि CuSO4 में जिंक वॉज मोर रिएक्टिव देन Cu, तो जिंक ने रिप्लेस कर दिया Cu को और उसकी जगह पे आ गया और Cu को अकेला कर दिया. ना रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज. अगर आप दुनिया के मेटल्स को उनके घटते क्रम में, उनकी रिएक्टिविटी घटते क्रम में लगाओ, तो जो आपके पास सीरीज कलेक्ट होगी वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज कहलाएगी ना, और उसे एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं. इन दिस मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इज प्लेस्ड एट द टॉप वेयर एज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम, जिसमें सबसे टॉप पे होते हैं जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, सबसे नीचे होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. तो आप मुझे बताओ सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, तो ये गोल्ड प्लेटिनियम सिल्वर ये रिएक्टिविटी के सबसे नीचे आएंगे, बल्कि सोडियम पोटेशियम ये सबसे रिएक्टिविटी के हाइएस्ट लेवल पे आएंगे. क्यों, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है पूरी दुनिया के. नाउ हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, लेट्स सी. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड. वो बोल रहे हैं जब एक मेटल प्लस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो बोल रहे हैं कि जब इन दोनों का रिएक्शन होगा ये बनाएंगे आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या फिर आयोनिक कंपाउंड. फिर वो बोल रहे हैं विच कंटेन आयोनिक बॉन्ड, एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद अनदर नॉन मेटल, मतलब अब वो बोल रहे हैं नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, वो बोल रहे हैं नॉन मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे ना ये फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड. अब इन दोनों का पता करना ज़रूरी है कि ये दोनों है क्या, लेट्स सी. ये उन्होंने इतनी चीज़ इन्फॉर्मेशन में बताई कि कैसे रिएक्ट होता है मेटल और नॉन मेटल. तो मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि वीडियो के जस्ट स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि मेटल क्या होते हैं. मेटल लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे. अब ये एक लूज़ करेगा और ये एक गेन कर लेगा, जैसे कि Na और Cl. इसमें Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, Cl को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी. क्यों, क्योंकि इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे. तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इन्होंने आयोनिक कंपाउंड फॉर्म किया. क्यों, क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रो निगेटिव बन गया. तो ये दोनों मिलकर बनाए आयोनिक बॉन्ड. यानी आयोनिक बॉन्ड कब बनती है, जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हो और कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन दे देते हो. तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज आयोनिक बॉन्ड से बन रहा है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा आयोनिक कंपाउंड. आयोनिक कंपाउंड कब बनते हैं, तो लूजिंग एंड गेनिंग से बनते हैं. एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उसमें, एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है. ये प्लस के सामने 2, 3, 4 तब लग, 2, 3 लग सकते हैं जब वो 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा हो, और ये माइनस के सामने आप 2, 3 लगा सकते हो जब वो 2 और 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो. अब देखते हैं कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन 3 वेज. कौन सी 3 वेज है, तो लेट्स सी. लूजिंग और सॉरी बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन. या तो आप इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो बैलेंस होने के लिए, फर्स्ट चॉइस. फिर वो बोल रहे बाय गेनिंग, या तो फिर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हो टू गेट मतलब फॉर लाइक आपको बैलेंस होने के लिए, टू गेट बैलेंस. और बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, या तो आप शेयर कर सकते हो. देखो हमने अभी लूज और गेन तो देखा, बट शेयर क्या होता है शेयर भी देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि कार्बन जो है, कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ना वो 4 दे पाता है, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन. 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ना तो वो गेन ना तो वो लूज कर पाता है. तो अब ये क्या करता है, जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके साथ 1 शेयर कर लेगा. हाइड्रोजन के पास अगेन जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ये इसके साथ शेयर कर लेगा, और एक हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर लेगा, और एक हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयर कर लेगा. अब कार्बन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन के पास 1, 2, इस हाइड्रोजन के पास 1, 2, इस हाइड्रोजन के पास 1, 2, इस हाइड्रोजन के पास 1, 2 हो गए. मतलब इन लोगों ने क्या की, शेयरिंग की. इन्होंने ऐसा नहीं किया कि कम्प्लीटली दे दिया या कम्प्लीटली किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इन्होंने शेयर्स किए. अब ये जो शेयर किए हैं तब जो बॉन्ड्स बनती है वो कहलाती है कोवेलेंट बॉन्ड.
कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोगों को इस चैप्टर में ज़्यादातर लूज और गेन यानी आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड आप कार्बन कंपाउंड के वीडियोस में देख सकते हो डिटेल्स में। नाउ द केमिकल रिएक्शन इन विच द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन यानी टोटल 8 जो बनाते हैं हम लोग, वो अचीव अगर किया जाए लूज और गेन से ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड द केमिकल रिएक्शन इन विच द इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन इज अचीव्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स सच टेक्स प्लेस इन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन क्रिएट करते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। नाउ एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। अब वो बोल रहे हैं कि आयन जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है। एंड आयन इज फॉर्म बाय द लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, सो इट कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर